हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटू के किचन में। दोस्तों आज हम बनाएंगे बिरयानी चिकन और अंडा दोनों एक साथ डालकर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम 1.5 केजी चावल में 3 केजी चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं और 12 अंडे। ये दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 2-3 चम्मच हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच हम मीट मसाला डालेंगे और 300 ग्राम दही और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और हम इसे अच्छी तरह एक बार मिला लेंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। एक कढ़ाई लेंगे हम, कढ़ाई को गर्म करने के बाद हम इसमें 300 से 400 ग्राम सरसों का तेल ऐड करेंगे। थोड़ा सा प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करके निकाल लेंगे, बिरयानी के ऊपर डाला जाता है। प्याज जब तक ये ब्राउन हो रहा है इधर हम चावल का तैयारी कर लेंगे। एक पतीली में हम 2 से 3 लीटर पानी डालेंगे और थोड़ा सा घी और 3-4 तेज़पत्ता और थोड़ा सा खड़ा मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अब हम इसे कवर करके खौलने तक इंतज़ार करेंगे। इधर आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी बचे हुए तेल में 3 से 4 तेज़पत्ता और खड़ा मसाला डालेंगे, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम अच्छी तरह एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर और नमक दोनों डाल देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे इसी तरह। पानी अब खौलने लगा है, चावल को हम अच्छे से धो करके पतीली में डाल देंगे। चावल को हम थोड़ा थोड़ा देर पे चलाते रहेंगे। चावल अब तैयार है, इसे हम छान कर रख लेंगे ठंडा होने के लिए। प्याज जो हम भून रहे हैं उसे मैरिनेट वाले चिकन में डालेंगे। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और थोड़ा थोड़ा देर पे चलाते रहेंगे। चावल जो हम तैयार किए हैं उसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। चिकन में हम 1 चम्मच मीट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे हम एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना अच्छा आ चुका है। अंडे को हम थोड़ा सा चाकू बीच बीच में मार देंगे ताकि अंडे में अंदर तक फ्लेवर जाए और इसी हम चिकन में डालेंगे। अंडों को हम चिकन के बीच में डाल करके भूनेंगे इसी मसाला के साथ, ध्यान रहे अंडा टूटे नहीं। चिकन अब पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे पतीला में और इसे अच्छी तरह लगा लेंगे चारों तरफ। अब हम इसमें चावल डालेंगे, चावल हम 3 लेयर में डालेंगे। चावल डालने के बाद हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे कलर के लिए। अब हम चिकन डालेंगे, अब हम फिर से इसके ऊपर चावल डालेंगे, 1 लेयर हम और चावल डालेंगे। अब हम बचे हुए सारे चिकन और अंडे को डाल देंगे
और एक बार जो बचा हुआ चावल है उसे हम पूरा डाल देंगे और साथ में हम ऊपर से फूड कलर डाल देंगे। अंडा को हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं। इसके बाद हम भुने हुए प्याज जो ब्राउन करके निकाले थे उसे हम डाल देंगे। खुशबू के लिए हम थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे। अब आप देख सकते हैं बिरयानी अब पूरी तरह तैयार है। आप भी एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन। जय।